दिन तक यानी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त तक होगी। जन्माष्टमी के चलते 4 दिन का गैप रहेगा। हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे यानी 10 शिफ्ट में पूरी परीक्षा होगी। एक शिफ्ट में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सिपाही की ये परीक्षा इसी साल 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के 75 जिलों में हुई थी। कई जगह पेपर लीक होने के बाद छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एसटीएफ जांच में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद योगी सरकार ने परीक्षा कैंसिल कर दी थी। एग्जाम में करीब 50 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सिपाही भर्ती परीक्षा यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें 60,244 सिपाहियों के पदों पर भर्ती की जानी है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने गुरुवार को नया टाइम टेबल जारी करते हुए कहा है कि इस बार परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। एग्जाम के दिन अभ्यर्थियों के लिए रूटवेज की बस सेवा फ्री रहेगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिखाना होगा। पिछली बार 50 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा 2 दिन में करवाई गई थी, लेकिन इस बार परीक्षा 5 दिन में कराई जाएगी ताकि अव्यवस्था न हो और सुरक्षा बनी रहे। बोर्ड ने बताया है कि यूपी सरकार की तरफ से पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लागू किया गया है। इसमें पेपर लीक जैसे मामलों में 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या दोनों हो सकती है। तो कुल मिलाकर पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं। हमारे संवाददाता से जानेंगे कि आखिरकार मंडलों का क्या हाल है, आपको बताएंगे कि ग्राउंड का हाल क्या है, तो आप बने रहिए। और ये भी बताएंगे कि परीक्षा केंद्र पर आप पहुंच रहे तो किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ऐसे दूर दराज से बच्चे आते हैं। तो चलिए हम आप क्या है खबर ये समझिए। दरअसल पुलिस परीक्षा भर्ती की तारीखों की घोषणा हो गई है। ये तारीख जान लीजिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, जिसमें 60,244 पदों के लिए फिर से परीक्षा होगी। तो ये परीक्षा पूरी तैयारी कर ली गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी परीक्षा। सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ले। देखिए सभी छात्र जो होते हैं युवा, उनके अंदर एक जोश, एक जुनून होता है कि एक सरकारी नौकरी पाया जाए, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस एक प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है। पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों को अब ऐलान होने के बाद उन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं अब राहत देने की बात है। सरकार ने भी अब ढांचागत तरीके से ये व्यवस्था बनाई है 5 दिनों में परीक्षा संपन्न कराने की, ताकि जो पहले गलती हुई है वो गलती का जो है पुनरावृत्ति न हो। सरकार की तरफ से ये कोशिश है, पेपर लीक होने से रद्द कर दी गई थी परीक्षा, लेकिन अब कोशिश है कि पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा करा जाए। परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी है। पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों की घोषणा होने के बाद तैयारियां जोरों पर हैं। तो हर अगर बात किया जाए, जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र पर भी विशेष निगरानी रहेगी। तो चलिए अब आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, जहां पर अलग अलग जगह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से तैयारियां हैं। अमलिन सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सुशील कुमार गोरखपुर से, अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से, आकाश यादव वाराणसी से, पंकज गुप्ता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले अमलेंद्र, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं शासन प्रशासन की तरफ से, इस बार भर्ती परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड मैप तैयार करवाए हैं अधिकारियों? सबसे पहले आपके पास जानकारी क्या है, हमने अपडेट करें। देखिए सौरभ, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर देखा जाए तो इस भर्ती में जो इस परीक्षा है पुलिस भर्ती बोर्ड की, इसमें बहुत एक बारीकियों को आप ध्यान दीजिएगा, इस बार कुछ तब्दीली है। तब्दीली ये है कि सबसे बड़ी चीज़ कि जो एक कानून के तरह से जो एक जुर्माना लगाया गया है वो एक पॉइंट ऑफ है, आजीवन कारावास है वो एक पॉइंट आउट है, और दूसरी है कि छात्रों को जो सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए, जिसके पहले आप देखते थे कि रोडवेज से लेकर के रेलवे स्टेशनों तक जो दिक्कतें होती थी, जो भीड़ होती थी, परीक्षा केंद्र दूर होने की जो एक कंडीशन होती थी, इन सारी कंडीशनों को देखते हुए जब छात्र परेशान ना हो, इनको भी मद्देनजर रखते हुए इस बार किया क्या गया, सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है परिवहन विभाग को
कि छात्र जो है अपने प्रवेश पत्र की दो प्रतियां लेके आएगा, एक परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक की प्रति अपने कंडक्टर को देगा और ये फ्री सेवा होगी, और दूसरी जो है वो जो परीक्षा दे के अपने घर तक जाएगा उसके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस बार जो है पुलिस की जो के साथ साथ है जो है एसटीएफ से लेकर के और कई ऐसे विभाग हैं जिसको लगाया गया है निगरानी के लिए जी। और सबसे बड़ी उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो पॉइंट आउट जो की गई हैं कि जो ये पांच अलग अलग तारीखों में जो सौरभ दिया गया है वो सबसे बड़ी चीज़ यही काउंट किया गया है कि पाँच जो अलग अलग तारीख है 23, 24, 25 प्लस उसके बाद 30, 31। देखिए जो उसके लास्ट के जो डेटेड हैं बीच में जन्माष्टमी के लिए जो है बीच में छुट्टी थी उसको लेकर के डेट किए गए हैं, लेकिन जो दो दो पालियों को जो सबमिट किया गया है इन पालियों के तहत ये ध्यान दिया गया कि 5 लाख पहले डेट में, दूसरे डेट में 5 लाख, ऐसे ऐसे जो डिवाइड किए गए हैं कि बिल्कुल किसी प्रकार की अनियमितता न हो, इन चीजों का ध्यान रखा गया है। सुशील हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट है एग्जाम को लेकर आपके पास? देखिए आप निश्चित रूप से जिस तरीके से जो 17 और 18 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसे रद्द किया गया था और उसको लेकर तारीख का इंतजार हो रहा था और अब वो तारीख घोषित हो गया है। और ऐसे में 23 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ये परीक्षाएं होंगी जिन्हें 2 दिन जन्माष्टमी के कारण छुट्टी दी गई है। और इसमें आपको मैं बता दूं तकरीबन जो है 60,000 से ऊपर जो परीक्षार्थी जो है उसको लेकर के तकरीबन 5 लाख के आसपास जो परीक्षार्थी हैं एक बार में परीक्षा देंगे, 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी। और इसको लेकर के पूरी सीसीटीवी कैमरे से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको पूरी तरीके से यहां पर मुकम्मल किया जा रहा है। साथ ही इस बार जो सख्ती है उसकी सख्ती का असर यहां पे देखने को मिलेगा सभी जिलों में, चूंकि जिस तरीके से नए कानून के तहत अब अगर इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हें जो है 1 करोड़ का जुर्माना जो है वसूला जाएगा और उम्र कैद की सजा भी दी जाएगी। तो आप समझिए कि इस तरह के इस बार के कानून के बाद से जो बार बार नकल को लेकर के परीक्षाएं रद्द होती थी उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगता हुआ नजर आएगा और जिसको लेकर के तैयारी की गई है। साथ ही ये जो तमाम जो बच्चे हैं जो अलग अलग जगहों से आकर के अलग अलग जनपदों में पहुंचेंगे परीक्षा के लिए, उनके उनको देखते हुए उनकी सुविधा को देखते हुए बाकायदे इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो रोडवेज की व्यवस्था है उसे फ्री कर दिया गया है। यानी एडमिट कार्ड दिखाने के बाद वो छात्र जो है बाकायदे अपने सेंटर पे पहुंचेगा और बाकायदे सारी चीजों को कराने के बाद अपने परीक्षा को देगा। ये लिखित सारी परीक्षाएं थी। पंकज, मेरठ में किस तरीके से तैयारियां हैं, अपडेट करें? बिल्कुल, जब डेट जो डेट है वो घोषित होने के बाद पंकज आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। आकाश वाराणसी की अगर बात करें, ठीक है पंकज मैं आपके पास आ रहा हूं। आकाश वाराणसी में किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए सौरभ, तैयारियां पूरी है, इंतजार जिस चीज का था वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई, यानी कि 23, 24, 25 और 30, 31 इन तारीखों पर एग्जाम होगा। ये प्रत्येक दिन 2 पाली में परीक्षा होगा, 5 लाख अभ्यर्थी प्रत्येक दिन जो है एग्जाम देंगे। हालांकि पूरे अभ्यर्थियों की संख्या बताया था 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसे फॉर्म को फिलअप किया है। तो अब जो नकल की गुंजाइश होती थी, जो पहले नकल का अनुमान लगाया जाता है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त दिखे हैं कि देखिए जिन सेंटरों पे ये परीक्षा होगा उन सेंटरों पे कैमरा बाहर से लेके कमरे तक कैमरा लगेगा। उसके साथ ही परिवहन विभाग के द्वारा जो बच्चे हैं जो परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए बसें मुफ्त रहेंगी, लेकिन यदि नकल करते कोई पकड़ा गया तो भारतीय न्याय संहिता के धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा और आजीवन वो किसी भी पेपर को लीक नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जमानत होगा ही नहीं, वो जेल के अंदर ही सड़ेंगे। तो युवा जो परीक्षा देने जाएंगे उनके भविष्य का सवाल है, इसको लेकर धाराओं में भी तब्दीलियत किया गया है। हालांकि तैयारियां पूरी है, अब एग्जाम दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही एसटीएफ को भी इस एग्जाम को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ, बिल्कुल अमित, आपके पास क्या जानकारी है? शिक्षा नगरी है प्रयागराज। बिल्कुल, बात की जाए पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर, तो पुलिस भर्ती परीक्षा का जो लीक का मामला हुआ था जिसके बाद पूरे प्रदेश में खासकर प्रयागराज में जो अभ्यर्थी थे वो आंदोलनरत हो गए थे, वो आंदोलन कर रहे थे कि परीक्षा को तुरंत निरस्त किया जाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए निरस्त कर दिया। उसके बाद से सभी जो अभ्यर्थी थे उनको इंतजार था कि आखिरकार कब होगी परीक्षा, तो वो इंतजार की घड़ियां परीक्षार्थियों को खत्म हो चुकी है। 23, 24, 25 और 30, 31 को ये एग्जाम होंगे। साथ ही अपनी बार एक जो सबसे अलग जो नियम बनाया गया है वो ये है कि कोई भी ब्लैक लिस्टेड जो परीक्षा केंद्र होंगे वो नहीं बनाए जाएंगे। साथ ही बिना डीएम के, और जैसे प्रयागराज में कमिश्नरेट है तो बिना पुलिस कमिश्नर के
अनुमति के और उसकी बिना जांच जिससे उसकी जांच कराई जा रही है, जितने भी सेंटर्स होंगे जो एलआई से एसटीएफ से तमाम जो जांच एजेंसी है उन सबसे उन सभी सेंटरों की जांच कराई जाएगी और उनकी निगरानी भी कराई जा रही है कि कहीं से भी पेपर लीक ना हो, क्योंकि पेपर लीक होने से सवाल सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि इस तरह से जो लीक होता है उसके बाद विपक्ष जो है वो हावी हो जाता है। इन सभी चीजों को बचने के लिए अपनी बात खासकर इन जितने भी सेंटर्स होंगे वहां पे गड़बड़ियां ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, चाहे सीसीटीवी के जरिए हो चाहे इंटेलिजेंस हो अपनी बात लगाई जाएगी और साथ ही एसटीएफ हो और क्राइम ब्रांच की जो टीमें होंगी वो सभी लगाई जाएंगी। और कमिश्नरेट में जितने भी प्रयागराज जैसे कमिश्नरेट है तो यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उन पुलिस अधिकारी वो उसकी निगरानी करेंगे और सब जाके ग्राउंड जीरो पे जाके सेंटर की चेकिंग करेंगे कि अगर वहां से पेपर लीक ना हो इस चीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इसी के साथ ये परीक्षा संपन्न कराने के लिए पांच दिन में रखी गई है, पहले कम दो दिन में हो रही थी लेकिन उसके पांच दिन में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इस चीज का पूरा ख्याल रखा गया है। ठीक है अमलेंद्र, इस बार उत्तर प्रदेश परिवहन की तरफ से भी क्या जो छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है क्या कि एडमिट कार्ड आप दिखाइए और फ्री में आप यात्रा कर सकते हैं? अनम्यूट कीजिए अमलेंद्र। क्या होती थी वो इतना जी जी बोलिए सौरभ। देखिए हमेशा ये होता था कि जो छात्रों की भीड़ होती थी भीड़ को देखते हुए हमेशा भी यही चीज़ होती थी कि रेलवे स्टेशन से लेकर के और आप देखिए तो जिले में बहुत जो स्थिति है गड़बड़ होती थी क्योंकि रोडवेज में भीड़, रेलवे स्टेशन पे भीड़ और लौटते समय भीड़, इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक तो इन पालियों को बढ़ा दिया कि जो अलग अलग डेट में अलग अलग डेट में परीक्षा किया गया ताकि बच्चे आराम से एक लिमिट संख्या होगी तो वाहन भी लिमिट होंगे और सुविधाएं भी लिमिट होगी और उसके साथ परीक्षा केंद्र भी इसमें घटाए गए हैं। सौरभ जो परीक्षा केंद्र घटाए गए हैं लिमिट छात्रों की वजह से ये उन्हीं को परीक्षा केंद्र दिया गया है जिनकी छवि साफ सुथरी रही हो और ऐसे ही जो है परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं जो सीसीटीवी से लैस हों, कंप्यूटर केंद्रित भी जिनके यहाँ हों और जो हमेशा से सुविधा युक्त रहे हों, बहुत सारी ऐसे पॉइंट आउट किए गए हैं। वैसे ऐसे ही परीक्षाएं जो कभी विवादों में नहीं आए हों परीक्षा केंद्र, जिनके यहाँ से छवि साफ सुथरी रही हो और जो शहर से ज़्यादा दूर ना हो, शहर के नियर अबाउट हो, जहाँ साधन की सुविधा हो, ज़्यादा गाँव में पढ़ता था, ज़्यादा रूरल में पढ़ता था तो छात्र नहीं पहुँच पाते थे और गार्जियन को वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती, दूर तक जिसका सेंटर होता था वो पहुँचने में दिक्कत होती थी। तो इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट इस बार किया गया। योगी आदित्यनाथ जी का ये सख्त निर्देश था कि किसी भी कंडीशन में इस परीक्षा को जो है वो आप नकल विहीन कराइए और जो है किसी तरीके के छात्रों की समस्या ना हो उस पर भी ध्यान दीजिए। मेन जो है वो टारगेट किया गया कि जो एक बार जुर्माने की राशि और जो है सजा का जो प्रावधान है उसको जब हार्ड किया गया है उसके तहत ही तहत जो है अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि आप लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम में रहेंगे। मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ आप जिले के डीएम को भी निर्देश दिया गया है, उनके अंतर्गत जितने भी डीएसए बीएसए हैं उनसे लेकर के ब्लॉक लेवल के जो हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि आप प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू उसको जो है मॉनिटर करेंगे। परीक्षा केंद्र से जो पेपर जो पहुंचाते हैं परीक्षा केंद्रों पर उन गाड़ियों की भी निगरानी जो है वो भी बाकायदे पुलिस के नियंत्रण में की जाएगी, उसके भी पीछे पुलिस की गाड़ियां रहेंगी। परीक्षा केंद्र में जहां पेपर रखा जाएगा उसके भी टोटल कंट्रोलिंग जो है सीसीटीवी कैमरे में रहेगा। तो इस बार जो है जो परीक्षा बिल्कुल इस बार जो है सरकार किसी प्रकार की जोखिम नहीं उठाना चाहती, वो चाहती कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराया जाए। सुशील देखिए अभी हमने एक बात कर रहे थे कि इंटीरियर जो कभी कभी पेपर जहां पर परीक्षा केंद्र होते हैं बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाते हैं उन चीजों को लेकर भी व्यवस्था की गई है कभी कभी जहां पर यातायात व्यवस्था थोड़ा सुगम नहीं होता है क्या उस वहां से हटा के ऐसी जगह शिफ्ट किया गया है ताकि इजली हम वहां से पहुंच सके? सहयोगी ने बताया था कि वो कहीं ना कहीं जो परीक्षा केंद्र हैं खासकर उन परीक्षा केंद्रों पे जहाँ पर परीक्षार्थी को पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि देखिए समय जो है दो पाली में जब परीक्षाएं होती हैं तो उसमें देखा जाता है कि सुबह के वक्त 7 बजे या 8 बजे से परीक्षाएं शुरू होती हैं और फिर उसके बाद वो 11-12 बजे तक चलती हैं, फिर अगली पाली 1 या 2 बजे से शुरू होती है जो 5 बजे तक चलती है। तो ऐसे में सुबह आने के वक्त का जो समय होता है वो बड़ा कम होता है, तो इसलिए इस बार इस चीजों को बहुत ध्यान में रखा गया है और इस बार जो परीक्षा कराई जा रही है बाकायदे इस पैनल ने पूरी चीजों को देखते हुए
क्या क्या परेशानियां होती हैं परीक्षार्थी को, खासकर एक परीक्षार्थी जब सेंटर पे पहुंचता है अपने घर से निकलने के दौरान, उस दौरान से लेकर के परीक्षा सेंटर तक क्या क्या परेशानी होती है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके इस बार परीक्षा की तिथि भी घोषित की गई है और उन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया। यही वजह है कि चाहे वो रेलवे हो या फिर रोडवेज हो, सभी जगहों पर व्यवस्थाएं की गई है यात्रियों को कि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। और खासकर ये जो डेट रखा गया 23 से लेकर 31 तक, इतने ज्यादा डेट इसलिए है ताकि एक दिन ज्यादा भार ना पड़े किसी भी जो है जिले में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, इसको जो है संभालने में परेशानी ना हो, तो इसको लेकर पूरी तरीके से प्लान तहत काम किया जा रहा है और बकायदे एक एक जो परीक्षार्थी है वो समय सेंटर पे पहुंचकर अपने परीक्षा को देगा। पंकज आप बताइए कि पेरट में जिस तरीके से तैयारियां हुई है उसको लेकर थोड़ी जानकारी दे, क्योंकि बीच में आपकी आवाज डिस्टर्ब हुई थी इसलिए बात पूरी नहीं हो पाई थी आपकी। जी बिल्कुल, जब से जो तारीख की घोषणा हुई तब से जो छात्र हैं उनके सेंटर की तो जो सेंटर है इस बार पर जो कैमरे वो भी बढ़ा दिए गए आपको हाई सामान्य पंकज आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगी करूंगा कि आपकी आवाज जो है वो ठीक किया जाए। आकाश मेरा सवाल आपसे कि वाराणसी की अगर बात करें तो आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बनारस में अब तक जिन सेंटरों में पेपर लीक हुए हैं, जिन सेंटरों का नाम सामने आया, उन सेंटरों में इस बार एग्जाम नहीं होंगे। जिन सेंटरों की प्राथमिकता अच्छी रही है, गुणवत्ता अच्छी रही है, या फिर एग्जाम में किसी प्रकार का लीकेज नहीं पाया गया या किसी प्रकार का नकलची नहीं पकड़े गए, उन विद्यालयों में परीक्षा होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बार सौरभ यह खड़ा होता है कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के कंधों पे दोहरी जिम्मेदारी है। पहला तो बच्चों का जो भविष्य वो ना खराब हो, और दूसरा सवाल ये है कि इस बार जो उत्तर जो विपक्ष है, विपक्ष हावी इसलिए है कि बार बार उनको मुद्दा एक ही मिल रहा है कि पेपर लीक हो रहा है इस सरकार में। तो इन पेपर लीक जो मुद्दे हैं विपक्ष के लिए, उन मुद्दों का मुंह बंद करने के लिए भी सरकार जोर लगाई है। शायद इसीलिए एसटीएफ से लेके क्राइम ब्रांच, क्राइम ब्रांच से लेके जो लोकल थाने हैं, चाहे चौकी थाने की बात करूं या फिर थाने की फोर्स की बात करूं, सबको सबके कंधे पे एक जिम्मेदारी मिली है कि इस पेपर को सफल संपन्न कराए, किसी प्रकार का लीक ना मिले। फिलहाल जो धाराएं हैं, जो कानून में तब्दीलियत की गई है, वो सबसे बड़ा मजबूती से कदम इसलिए साबित होगा कि इन धाराओं में सजा बढ़ा दी गई। कल तक जो पेपर लीक होते थे उनमें आसानी से जमानत मिल जाता था, वो बेल से छूट के बाहर निकल आते थे, और जो जिन पैसों से वो पेपर को लीक कराए थे उन पैसों से मौज काटते थे। लेकिन इस बार यदि लीक पकड़ा गया, नकलची पकड़े गए, यदि लीक कराने वाला पकड़ा गया, तो वो जेल के अंदर रहेगा, जमानत के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट दौड़ता रहेगा। अमित मेरा सवाल आपसे कि चैलेंज जो है बहुत ज्यादा इस बार है, तो एग्जाम सेंटर में या प्रशासन के सामने चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं जिनसे उनको निपटना है? सबसे बड़ा जो चुनौती है कि वो ब्लैकलिस्टेड ना हो, उनकी साफ छवि हो, ये चीज को चयन करना है, वो सेंटर्स बनाए जाए जहां पे कोई गड़बड़ियां ना हो, और बहुत ज्यादा कैमरे से लैस हो और अत्याधुनिक वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हो, जिससे जो छात्र है उनको किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, जैसे पानी है या उनके बाथरूम करने के लिए सर, तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए वो वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं उस स्कूल या कॉलेज में वहाँ उपलब्ध हो। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वहाँ पे उस चीज का चयन करना वहाँ जाके, इसीलिए अब सुधार जो है जो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं उन्हीं सेंटर्स को बनाए जा रहे हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, और उसके लिए बाकायदा एसटीएफ की निगरानी में ये पूरी जांच कराई जा रही है इंटेलिजेंस जी, ये कि वहां पे इनपुट कहीं से कहीं कोई भी इनपुट अगर गड़बड़ी आ रही तो वो सेंटर नहीं बनाए जा रहे हैं। ये खास तरफ की बात, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि कोई भी ऐसा सेंटर न बने जहां पे कोई भी गड़बड़ियां हो, क्योंकि अब की बात साख का सवाल है, क्योंकि लगातार परीक्षा पेपर लीक होने से लगातार जो सरकार की जो कजियत हो रही है वो तो है ही है, उसके बाद भविष्य जो छात्रों को बर्बाद हो रहा है वो भी, साथ ही इसीलिए अब की बार जो जो मास्टरमाइंड जो आरओ का हो चाहे पुलिस भर्ती हो, तमाम जो राजीव नयन उसके ऊपर अभी देखिए गैंगस्टर भी लगा दिया गया, तो लगातार कार्रवाइयां जो है शिक्षा माफियाओं
जारी है और प्रयागराज, क्योंकि यही जो शिक्षा माफिया जो पकड़े जा रहे हैं, जो मास्टर माइंड है वो प्रयागराज से ही आ रहे हैं, चाहे वो आरओ आरओ को, चाहे नीट हो, चाहे पुलिस भर्ती को, तमाम जैसी जो परीक्षाएं हैं, सीटेट हो, सेट हो, सब प्रयागराज से ही है उसके जी का गढ़ है, और शिक्षा माफियाओं के लिए भी कह सकते हैं कि जोड़ बन चुका है। इस कारण से यहाँ पे जो शक्ति है वो ज्यादा करनी पड़ी, क्योंकि आस पास जिले भी यहाँ से कनेक्टेड है। तो जो शिक्षा माफिया, आपके बाद ये भी हो सकता है कि वो बड़े शहरों को ना पकड़ के छोटे शहरों से ही अपना प्लान बनाने की कोशिश करें, लेकिन उन प्लान को अभेद कर ना सफल हो। इसीलिए सरकार ने फिलहाल 5 दिन की परीक्षा की है, और इसी परीक्षा को सफल संपन्न कराने के लिए ही पूरी ताकत सरकार ने लगा दी है। बिल्कुल अमलेंद्र, मेरा सवाल आपसे, ठीक है अमलेंद्र, मेरा सवाल आपसे कि इस समय सरकार के पास दोहरी चुनौतियां हैं। एक तो विपक्ष, जैसा कि अभी अमित बात कर रहे थे, पिछली बार जो पेपर रिजेक्ट हुए, लीक हुए, उसको सही तरीके से संपन्न कराना, और दूसरा विपक्ष के जो लगातार आरोप लगा रहे हैं उसको जो है शांत कराना। तो कैसे इसको संपन्न कराया जाए? क्या आपको लगता है इस बार जो है शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न हो पाएगी या नहीं? ये बड़ा सवाल है। देखिए सौरभ, जो आप निष्पक्ष की बात कर रहे हैं उसको लेकर के जो ये कानून का प्रावधान है, इसमें कई पॉइंट आउट किए गए हैं, चाहे वो पेपर के प्रेस से लेकर के है और यहाँ तक पेपर सेंटर तक पहुँचने तक के लिए जो भी सुविधाएं, जहाँ जहाँ से लीकेज के अब तक पॉइंटेड थे कि फोटोस्टेट की दुकान से और प्रेस से ही ज़्यादातर पेपर लीक होते थे, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो थर्ड पार्टी के थ्रू जो काम दिया जाता था उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि जिसको काम दिया जा रहा है या जिसके जरिए परीक्षा की जा रही है वो बोर्ड कैसा है, वो संस्था कैसी है, उस संस्था का रिकॉर्ड कैसा है। अब इन सारी चीज़ों को भी मॉनिटर किया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है, और सारी चीज़ों को इस बार पॉइंट आउट करके जो जो दिक्कतें आई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसमें बैठ करके परिवहन विभाग से भी पूछे थे कि आपके पास कितनी बसें हैं, किस रूट की बसें हैं और कहाँ कहाँ आपकी चीज़ें जो हैं पहुँच सकती हैं बसें, और जो सुविधा युक्त होंगी, मतलब हर विभाग से, पुलिस को भी इसमें रखा गया था, एसटीएफ से लेकर के और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उन सबको भी इसमें इंटरफेयर किया गया था बैठक में कि आप आइए और बैठिए और अपनी समस्याओं को बताइए। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पॉइंट आउट किए गए, इस वजह से आप अब तक आप देखते नजर आए होंगे कि सिर्फ एक डेट में परीक्षा होती थी, इसीलिए इस बार इस डेट को जो है 5 डेट्स में डिवाइड किया गया और संख्या भी कम की गई कि सारी चीज़ों की संख्या जब कम होगी, कम लोग पहुंचेंगे तो उसमें जो है आसानी होगी लोगों को पहुंचना और सेंटर तक पहुंचेंगे, एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सीसीटीवी की मॉनिटरिंग डीएम से लेकर के जितने भी है, तो प्रशासनिक हैं, उनको भी एक जिम्मेदारी दी गई कि कहीं से भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आँच वहीं पर होगी और वहीं पे जो है उसको जो है निर्धारित कर दिया जाएगा कि आँच वहीं पहुंचेगी जो जिम्मेदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तारीखों का ऐलान हो गया है, फिर से इम्तिहान होगा और पूरी तैयारियां हैं, निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा, सरकार ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। नमस्कार।